तो न्यू लेबर कोड यानी सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी, क्या मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लागू करेगी ये नए नियम? आपको जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा, 3 दिन छुट्टी मिलेगी, नया लेबर कोड क्या कह रहा है, आपको इसको जानना बेहद आवश्यक है, तो अंत तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1 अक्टूबर यानी अगले महीने की 1 तारीख से क्या नए श्रम कानून लागू होंगे? अगर ये नियम लागू हो गए तो क्या आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा? वहीं सप्ताह में 2 दिन के बजाय क्या 3 दिन की छुट्टी भी मिलेगी? ये नए नियम आपकी इनहैंड सैलरी और पीएफ को भी प्रभावित करेंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू नहीं करेगी। इसकी 2 वजह बताई जा रही है। पहली, राज्यों द्वारा ड्राफ्ट तैयार करने में हो रही देरी, और दूसरा, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव। नए श्रम कानून का क्या होगा और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, आप इसे ध्यान से समझ लें। इस कानूनों का कार्यान्वयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनके लागू होते ही कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों के ऊंचे भविष्य निधि दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए लेबर कोड के तहत भत्तों की सीमा 50% होगी। इसका मतलब है कि कुल वेतन का आधा कर्मचारियों का मूल वेतन होगा। भविष्य निधि योगदान की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के हिसाब से की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। वहीं पर काम के घंटे 12 हो जाएंगे, यानी ड्राफ्ट में 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव है। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। OSH कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारियों से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने का निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दिन में 12 घंटे काम करता है, ऐसे में उसे सप्ताह में 2 दिन के बजाय 3 दिन छुट्टी मिलेगी। तो न्यू लेबर कोड से संबंधित एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सुझाव जरूर दिया जाएगा।